जय हिंद दोस्तों, मैं गौतिकुल अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूँ मैं शिक्षक नियोजन से रिलेटेड। आपको अभी सहरसा जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस से मैं आया हूँ, ये पता करने गया था कि किस किस प्रखंड में 7 जुलाई को और 5 जुलाई को होने वाला है। वहाँ जाके मैंने देखा, सबसे पहले मैं आपको सहरसा का बता देता हूँ। सहरसा में सलखुआ, कहरा और आपका नवटा, इसका इस प्रखंड का आपका 7 जुलाई को काउंसलिंग होने वाला है जिला स्कूल सहरसा के अंदर में। वहाँ पे फिर DPO साहब भी बैठे हुए थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आप किस 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 विषय के हैं, क्या हैं, तो उनसे मेरी बात हुई और उनसे मैंने सारी बातें जानने को मिली। शायद आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ। DPO साहब जो हैं सहरसा के, उन्होंने ये कहा है कि आप जो काउंसलिंग करवाने जाइएगा बड़ा सोच समझ के जाइएगा। मैंने बोला सर क्यों ऐसा, क्योंकि आप जिस दिन काउंसलिंग कराने जाइएगा उस दिन आपका सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा। मैंने पूछा सर ओरिजिनल तभी ना जमा होगा जब मेरा यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो भी लोग आएंगे काउंसलिंग करवाने के लिए सबका हम लोग रख लेंगे, जितने लोग आएंगे 5 बजे तक सबका हम ओरिजिनल रख लेंगे, उसके बाद हम उसकी सूची बनाएंगे उस दिन या अगले दिन और सूची को टांग देंगे। तो मैंने पूछा सर एक बात बताइए कि जिनका कंफर्म नहीं होगा तो उनको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा वापस। बोला नहीं सर्टिफिकेट आपको फिर अगस्त के बाद ही मिलेगा, आप सिर्फ एक ही काउंसलिंग करा सकते हैं पूरे बिहार में, आप कहीं और काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। मैंने बोला सर ऐसा तो कुछ नहीं है, तो आपने लेटर नहीं पढ़ा? मैंने बोला सर मैंने लेटर पढ़ा है, रंजीत सर ने भी कहा है, लेकिन इस तरीके से नहीं कहा है कि ओरिजिनल उन्हीं का जमा होगा जिनका कन्फर्म होगा। बोला ऐसा कोई बात नहीं है, सबका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मतलब जब्त कर लिया जाएगा और उसके अगस्त के काउंसलिंग के बाद ही आपको मिलेगा, इसलिए बड़ा सोच समझ के एक जगह काउंसलिंग करवाइएगा और फिर आपको जिनका कंफर्म होगा उनका मतलब वेबसाइट पर अपलोड करा के उनको 10 दिन 15 दिन में वापस मिल जाएगा, लेकिन जिनका कंफर्म नहीं होगा उनको वापस करेंगे ही नहीं ताकि वो जाके दूसरी जगह काउंसलिंग करवाए। ये DPO सहरसा ने कहा है और मैं आप सभी लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ। अपने अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में जाके आप ये बात को पता कीजिए क्या इसी तरीके की बात है, क्योंकि मुझे अभी ये बात पता लगी है। और मैं आप सभी लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आपका सभी का मतलब ओरिजिनल आप साथ रखिएगा और एक भी सर्टिफिकेट में कोई भी कमी मत रखिएगा, नाम में कोई गलती वलती है उसका एफिडेविट बना के रखिएगा, पूरा मुस्तैदी के साथ जाइएगा, नहीं तो वो आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उन्होंने साफ साफ ये बोला। और मैं आपको सहरसा का अपडेट बता देता हूँ, आज शाम तक NIC की वेबसाइट पर निकल जाएगा, सलखुआ, कहरा, नवटा प्रखंड में 7 तारीख को काउंसलिंग होने वाली है, 5 तारीख की काउंसलिंग जिला परिषद सहरसा में होने वाली है, जिला स्कूल सहरसा में। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को लोगों तक पहुँचाइए ताकि इस बात को वो कंफर्म कर सकें कि क्या इसी तरीके की बात है, क्योंकि जिनका लो मेरिट वाला होगा उसका तो कंफर्म होगा नहीं जॉब, तो उसका तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ जब्त हो जाएगा तो कहीं और जा ही नहीं जाएगा, जा ही नहीं पाएगा काउंसलिंग के लिए, अगस्त की भी काउंसलिंग में वो भाग नहीं ले पाएगा, क्या इस तरीके की बात है? आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑडियो को शेयर कीजिए और ये कंफर्म कराइए बिहार में, और रंजीत सर से भी कंफर्म कराइए क्या ये बात कंफर्म है। अगर इस तरीके का कंफर्म है ये बात तो बड़ा सोच समझ के एक काउंसलिंग एक नियोजन का ये आप पकड़ लीजिए, वरना बहुत मुश्किल होने वाली है। धन्यवाद। सहरसा DO साहब से बात हो रही है? हो रही है। सर जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि एक मिनट हमारे को समय देते तो आपकी अति कृपा होती। बोलिए सर जी, जैसे कि कोई अभ्यर्थी आपके पास में अभी गया था पता करने के लिए, तो उन्होंने एक ऑडियो जो है वायरल कर दिया है कि सहरसा DO साहब के पास हम गए थे, उन्होंने बोला है कि जो काउंसलिंग करवाने के लिए आएगा या उसका यहाँ पर चयन होगा तब भी और नहीं होगा तब भी उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो रख लूंगा और अगस्त के बाद दूंगा, ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है साहब जी? नहीं नहीं उसी दिन शाम में दे देगा। हाँ नहीं देखिए ऐसा होता है सर जी कि एक वायरल हो जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि DO साहब का जो इमेज होता है वो घटने लगता है अभ्यर्थियों के बीच में। क्या वायरल हुआ है बताइए ना, कौन गया, कब गया है हमको बताइए ना, क्या हुआ है बताइए, हाँ, पूरा बात बताइए क्या हुआ है। एक अभ्यर्थी ने एक ऑडियो जारी करके वायरल किया है ग्रुप में कि मैं सहरसा DO साहब के पास में गया था, हमने काउंसलिंग का तरीका साहब से पूछा तो साहब ने बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल हमारे पास में रखेंगे उसको हम जब्त कर लेंगे और वो आपको हम अगस्त में लौटाएंगे जब पूरी काउंसलिंग पूरी हो जाएगी तब, तो इसमें उसी दिन शाम को। अच्छा उसी दिन शाम को दे देंगे 5 बजे। अच्छा साहब जी ऐसा है कि जैसे संस्कृत विषय है उसमें 7 लोगों ने काउंसलिंग करवाया है, मेरा है कि आप उस दिन ओपन टू ऑल है उसमें जी, आप ही इसको रिकॉर्ड कर रहे होइएगा
जी जी जी, उसके लिए आप भी रोक। मेरा कहना है कि जैसे कोई भी आएगा तो जैसे 5 बजे तक टाइम है जी, 5 बजे तक मान लिया कि 2 या 4 या 5 जितना भी सीट होगा जी, तो सीट वो 5 बजे तक लेगा, जितना सीट है उसके अनुसार जो उसका सिलेक्शन होने वाला है उसका रखेगा और सब लौटा देगा जी। तो मैं सर जी, जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैथ और साइंस में जैसे अब हम पैसे नहीं कहते हैं, आप जो पूछे हैं उसका जवाब दे दिए। हमने तो इसी तरह थोड़ा सा बता देते अभ्यर्थियों में अच्छा हो जाता सर जी। नहीं नहीं, आप हमको क्वेश्चन किए उसका जवाब दे। नहीं नहीं, क्वेश्चन के ही जवाब में एक और क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, जिससे कि आपका ऑडियो वायरल हो रही है तो आपके लिए मैं डालूंगा तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे कोई गलत नहीं कर रहा हूँ साहब जी। हेलो, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मैथ साइंस में 3 सीट है तो जितने भी अभ्यर्थी काउंसलिंग करवाएंगे उनका हाथों का हाथ आप उनका ओरिजिनल जब्त कर लेंगे, यही कहने का मतलब है ना? जब्त कर लेंगे और शाम को जब उनका नाम आएगा तो नहीं देंगे और नहीं आएगा तो वापस कर देंगे, यही ना हुआ? नौकरी किसका होगा जी, किसका नौकरी होना है उसी का ना मूल सर्टिफिकेट रखा जाएगा जी 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 जी, जिसको नौकरी नहीं होगा उसका सर्टिफिकेट तो रखेगा जी जी। नहीं, उन्होंने कहा है तो हमने कहा आपसे बात करके, क्योंकि अब कोई कुछ कहा दिया उसकी बात हम नहीं जानते हैं, कोई कुछ बोल दिया है, जिसको नौकरी होगा उसी का ना सर्टिफिकेट बोल रहेगा, जिसका नौकरी नहीं होगा उसका का सर्टिफिकेट रखा जाएगा जी 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 जी। ठीक है सर जी, इसको पैदल अप कर दीजिएगा, इसको आप भी पैदल कर दीजिए। नहीं, मैं तो चैनल पे डालता हूँ, मैं एक चैनल चलाता हूँ जो नहीं, आप चैनल नहीं, आप जो बाइडन किया है ना वो भी जरा भेज दीजिए, हम भी देख ले। ठीक है ठीक है, मैं तो नहीं डालूंगा, जो आप आज्ञा करेंगे उसी का मैं पालन करूंगा, मैं तो वैसे एक चैनल चलाता